We are starting with a very small and an easy accounting standard, that is AS1. ठीक है, क्या नाम है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। दिस इज AS1। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस AS, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दोज टू टर्म्स जो आप पहले से भी फेमिलियर हैं, एंड वो टर्म है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, बेसिकली जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो एक टर्म की बात करनी ही पड़ेगी, वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, हम दोनों टर्म को यहां लिखते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और दूसरा टर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या चीज होती है? बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, नियम। ठीक है, और उस नियम को बनाने के लिए, उस नियम का पालन कराने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है। किसी भी नियम को अगर आपको एग्जीक्यूट कराना हो, अगर आपके कुछ सिद्धांत हैं और आप चाहते हो कि वो सिद्धांत एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जो सिस्टम हम बनाते हैं उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? पॉलिसीज। बेसिकली ऐसे समझिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है क्या करें, और जब बात यह आती है कि कैसे करें, तो वो कहलाता है पॉलिसीज। ठीक है, व्हाट इज टू बी डन, मेरा प्रिंसिपल क्या है, हम चाहते क्या है। ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल्स, एंड हाउ एम आई गोइंग टू अचीव दैट इज पॉलिसीज। इसको अकाउंटिंग से ना समझ के एक बार जनरल टर्म्स में समझते हैं। ठीक है, पता है मेरा एक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? कि हमें अपनी क्लास की सारी बेंचेस साफ सुथरी चाहिए, जो बच्चे होने नहीं देते। ठीक है, बच्चे पता है क्या क्या करते हैं उस पे? बच्चे उस पे ये बनाते हैं, और तो और इसके बाद भी अभी इस पे मानते नहीं है, उसके बाद इस पे लाल रंग का एक तीर पार कराते हैं। ठीक है, फिर सुंदर सी ड्राइंग देते हैं इधर कुछ ऐसा, उसके बाद भी नहीं मानते हैं, उसके बाद भी लिखते हैं इसमें अपने नाम का पहला लेटर ए, फिर लिखते हैं लव्स, सीक्रेटली उसको पता चले इसलिए लिखते हैं बी, बस उसके नाम का पहला करेक्टर। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। मेरा प्रिंसिपल है आई नीड नीट एंड क्लीन बेंचेस इन माई क्लास। ठीक है, पता है इसको अचीव करने के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो भी कोई ऐसा बनाता हुआ पाया जाएगा, उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा। पता है ये क्या है? जो भी ऐसा बनाता हुआ पाया जाएगा, कैसा? ये बनाता हुआ पाया जाएगा, उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा। ये क्या है? पॉलिसीज। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? प्यार मोहब्बत हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये नहीं है। क्या है प्रिंसिपल? बेंचेस साफ चाहिए। ठीक है, अब फिर से समझिएगा, एक दूसरा इंसान है, उसे प्यार मोहब्बत से ही नफरत है। ठीक है, दूसरा टीचर है, हम नहीं है, हम तो प्यार को इंकरेज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरा टीचर भी है, उसे प्यार मोहब्बत बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भी कहता है अपनी क्लास में कि अगर कोई बनाएगा ऐसा तो उसे निकाल दिया जाएगा। पॉलिसी क्या है? अगर ऐसा बनाया तो निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसका प्रिंसिपल क्या है? प्यार मोहब्बत को रोकना। आ रही बात समझ में? फिर से बात करते हैं, किसी को बेंचेस क्लीन चाहिए, हमें बेंचेस क्लीन चाहिए थी, ये मेरा प्रिंसिपल था, क्या उसके लिए यही पॉलिसी होनी चाहिए कि जो ऐसा बनाएगा उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा? नहीं, इसके लिए एक और पॉलिसी बनाई जा सकती है कि हर हफ्ते पेंट दोबारा करा दिया जाए। अरे बच्चे बना रहे तो बनाने थे, फिर बना लेंगे, हर हफ्ते हम पेंट ही करा दे दोबारा, ये भी तो हो सकता है। पता है हर हफ्ते पेंट करा देना दोबारा, ये पॉलिसी है किसके लिए? एक प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए, एंड दैट इज नीट एंड क्लीन बेंचेस।
क्या हम समझाना चाहते थे, ये बात समझिएगा, एक ही प्रिंसिपल के अलग अलग पॉलिसीज हो सकते हैं, और एक ही अगर पॉलिसी है, एक ही सिस्टम है, तो शायद प्रिंसिपल कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? कुल मिला के जो समझाने की हमने कोशिश की वो ये कोशिश की कि प्रिंसिपल्स क्या है, क्या करें, और ये क्या है, कैसे करें। राइट? आपको अपने नियम सिद्धांत पता है, ये बता देने चाहिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो गलत हो जाएगा, समझिएगा। हम चाहते हैं कि मेरी क्लास में कोई भी बच्चा लेट ना आए। क्या चाहते हैं? कोई भी बच्चा लेट ना आए, ठीक है। ये बच्चा लेट आता है एक दिन, और पता है हम क्या करते हैं, जैसे ही ये बच्चा लेट आता है हम चुपचाप है, कुछ नहीं, इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगले दिन ये बच्चा लेट आ जाता है, ठीक है, तो जैसे ही ये लेट आता है हम कहते हैं यू आर लेट, यू मे लीव द क्लास। अरे पिछले दिन भी तो एक बच्चा लेट आया था, तो पॉलिसी जो आपकी होनी चाहिए, ये अगर पहले से नहीं पता है तो ये सामने वाले को आपको समझने में गलती हो जाती है। आपका जो सिद्धांत है, ठीक है, सिर्फ वो पता होने से नहीं चलेगा। मेरा सिद्धांत था क्या कि क्लास में बच्चा लेट ना आए, लेकिन ये तो बड़ा अजीब सा मेरा सिस्टम है उस सिद्धांत को फॉलो कराने का। ये बच्चा हमें प्रिय है इसलिए लिए लेट आता है तो हम इग्नोर करते हैं, और ये बच्चा प्रिय नहीं है तो हम क्या करते हैं, कहते हैं यू आर लेट, यू मे लीव द क्लास। तो जो भी मेरी पॉलिसी है वो पहले से पता होना जरूरी है। सिर्फ मेरे प्रिंसिपल को जानने से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आपको लगा सर को पसंद नहीं है तो ना पसंद रहे, हमें क्या करना है, हम लेट जाएंगे। लेकिन अगर शायद आपको पॉलिसी पता होती तो आप लेट ना आते। तो क्या आपको लगता है कि किसी के सिर्फ प्रिंसिपल जान लेने से आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे? नहीं, आपको उसकी पॉलिसी भी जाननी पड़ेगी। और जब हम पॉलिसी जानते हैं तो क्या हम प्रिंसिपल भी जान जाते हैं? जान जाते हैं, क्योंकि पता है पॉलिसी क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस मेथड। व्हेन आई एम एडिंग प्रिंसिपल्स प्लस मेथड, इस प्रिंसिपल को कैसे अचीव करें, तो कुल मिला के ये होती है पॉलिसीज। ठीक है ये बात। अब अगर एक कंपनी अपने पॉलिसीज का डिस्क्लोजर नहीं देगी, अपने बारे में बताएगी नहीं, अपने पॉलिसीज के बारे में डिस्क्लोजर नहीं देगी, तो आप सही तरीके से उसके बारे में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आइए समझते हैं इस बात को दूसरी तरीके से। इस लड़के को एक लड़की की फोटो दिखाई गई, कहा गया फोटो देखो और पसंद करो। बताइए पसंद कर लेगा? बस फोटो देखना है और पसंद कर लेना है? नहीं, जब तक लड़की के पॉलिसीज को नहीं जानेगा, ये उसके सिद्धांत को नहीं जानेगा, ये पसंद नहीं कर पाएगा। बिल्कुल यही बात है, अगर हम आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट और पीएल दे दें तो समझ लीजिए बस यही है, एक लड़की की फोटो मिल गई है और बस उसे देख के पसंद करना है। हमें उसके बैलेंस शीट और पीएल के साथ पता है क्या और चाहिए, नोट्स टू अकाउंट, और जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं इनका डिस्क्लोजर कहां होता है, नोट्स टू अकाउंट। तो अनलेस यू सी नोट्स टू अकाउंट ऑफ अ कंपनी, आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बात। बिल्कुल, बैलेंस शीट और पीएल क्या है, फोटो है, देख के समझ में आ रहा है सुंदर है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है असलियत कुछ और ही हो, जब क्या पता चले हमें, नोट्स टू अकाउंट। क्लियर है बात? एक बहुत अच्छी कमाने वाली कंपनी, भाई प्रॉफिट अच्छा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, क्या हो सकता है ये कंपनी भी अच्छी ना हो? हो सकता है। पता है एक बात छिपाई गई हमसे, जो शायद नोट्स टू अकाउंट में अगर हमें पता होती तो हम उस कंपनी को अच्छी ना मान रहे होते। और पता है वो बात क्या थी, ये कंपनी 3 महीने में बंद होने वाली है। बैलेंस शीट पीएल देख के कहां पता चलता है कि 3 महीने में बंद होगी कि 6 महीने में बंद होगी? अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रही है, बहुत अच्छी कंपनी लग रही है। तो डू यू थिंक कि बैलेंस शीट एंड पीएल कैन कंप्राइज ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नो, बैलेंस शीट पीएल कैन नॉट गिव यू अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस यू हैव नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट आर मैंडेटरी, इसका डिस्क्लोजर बहुत जरूरी होता है। आइए इसी बात को और एक तरीके से समझते हैं।
जनरल बातें कर रहे हैं जिससे बेसिकली हम पॉलिसी को सचमुच समझ पाए, ठीक है, रेदर देन गोइंग फॉर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। पता है आप जब हमारे पास क्लास ज्वाइन करने के लिए आते हो तो हम आपको अपनी क्लासेस के बारे में बताते हैं। सपोज करिए हम कुछ इस तरीके से बताते हैं जो अब हम यहां बताने जा रहे हैं, ठीक है। आपको हमारी क्लासेस के बारे में कैसे बताया जाता है? आपको एक एडवर्टीजमेंट मटेरियल दिया जाता है, से फॉर एग्जांपल एक पैम्फलेट दिया जाता है, ठीक है, जिसमें हमारी क्लासेस के बारे में सब कुछ होता है, ठीक है, ये क्लासेस कब से शुरू हुई, कैसे कैसे हुए, कौन कौन बच्चा हमारे पास से क्वालिफाई किया, ये सारी जानकारी होती है। एज्यूम करना है, पता नहीं देते हैं कि नहीं, ठीक है। क्लासेस के बारे में हो गया, फिर स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर बैच आप करने वाले हो हम उसकी जानकारी देते हैं। हम उसमें लिखते हैं कि आपकी क्लासेस जो होंगी वो डेज होंगे उसके, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, उसकी टाइमिंग सो एंड सो होगी, बैच कंप्लीशन पीरियड जो होगा वो 6 महीने का होगा या व्हाटएवर, इस तरीके की हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। हमने इसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी है कि हमारे पास इतने सारे बच्चे रैंक होल्डर्स बने, इतने सारे बच्चे क्वालिफाई किए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है, ठीक है। क्या इसको देख के आप ये डिसाइड कर पाते हो कि हमें ये क्लासेस ज्वाइन करना है कि नहीं? हाँ, आप कहोगे हाँ सर इसी के बेसिस पे करते भी हैं, कर पाते हैं कि नहीं? हाँ कर पाते हैं, लेकिन शायद आपका डिसीजन बहुत अच्छा नहीं है जब तक कि आप हमारी पॉलिसीज को नहीं जानते। हमने तो अपनी पॉलिसी आपको बताई नहीं, पॉलिसी सुनिए हमारी, आइए पॉलिसी बताते हैं। पॉलिसी क्या है? नंबर 1, आउट ऑफ 25 चैप्टर इन अकाउंट्स ओनली 15 विल बी कवर्ड। हमने तो यह बदला था ना, अकाउंट्स पढ़ाएंगे, एमडब्ल्यूए पढ़ाएंगे, इससे इस टाइम पे पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे कहां, गलत कह रहे हैं, पॉलिसी नहीं बताए थे कैसे पढ़ाएंगे, 25 में से बस 15 चैप्टर पढ़ाएंगे। दूसरी बात, क्लासेस विल ऑलवेज नॉट बी हेल्ड इन एमडब्ल्यूएफ, एट टाइम्स इट मे बी हेल्ड इन टीटीएस, कभी एमडब्ल्यूएफ तो कभी टीटीएस, और कभी संडे भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात, क्या सर हमेशा मॉर्निंग में ही पढ़ाएंगे? नहीं, कभी मॉर्निंग है, कभी नून भी हो सकता है, कभी इवनिंग में भी बुला सकते हैं। जब इतनी सारी बात पता चलती है ना, तब आप सही डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। पता है ये क्या था? ये पॉलिसी नहीं था, ये है पॉलिसी, ये जानना जरूरी है। ये पता चलता है क्या? नहीं, यही तो पता नहीं चलता। जरूरी है कि नहीं जानना? जरूरी है जानना। अगर हम एक कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो आई मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, शायद ये जान पाएंगे तभी डिसीजन भी सही ले पाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब AS1 क्या चीज डील करता है? AS1 बेसिकली दो चीजों को कवर करता है, एक है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, और दूसरा है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। बस यही कवरेज है AS1, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और दूसरा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज AS1 कहता है कि डिस्क्लोज करो, डिस्क्लोज, और ये कहता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है उन्हें आप डिस्क्लोज कीजिए, अब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को डिस्क्लोज
मत कीजिए। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब होता है वो एजम्पशन जो हर कोई मान के बैठा है, सबको समझ में आता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए समझाते हैं इसी बात को एक जनरल टर्म्स में। पता है हमने लिखा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ बैच, जब आप एडमिशन ले रहे थे ना तो हमने आपको एक बात बताई थी, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ बैच 6 मंथ। ठीक है, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए वाराणसी में बाढ़ आ गई, ठीक है, और 6 महीने तक पूरा बनारस डूबा रहा, तो भी समय पे कोर्स तो कंप्लीट होगा ना 6 महीने में? बोलिए हाँ या ना। नहीं होगा। अच्छा, भूकंप आ गया, पूरा बनारस उड़ गया है सर, उजड़ गया है, कोर्स तो समय पे कंप्लीट होगा ना 6 महीने में? आप बीमार पड़ गए या हम बीमार पड़ गए, दोनों में से कोई भी बीमार पड़ गया, कोर्स तो 6 महीने में कंप्लीट होगा ना? नहीं। लेकिन जब हमने टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ बैच 6 मंथ बोला तो क्या इस पे एस्ट्रिक मार्क लगाया ऐसे करके और नीचे लिखा इफ नो अर्थक्वेक? दूसरा इफ नो, क्या लिखना है और क्या लिखें? If no medical problem, किसी को कोई medical problem नहीं होती है, क्या ये सब हम लिखते हैं? नहीं। पता है हमने जैसे ही पूछा कि अगर अर्थक्वेक होगा तो 6 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं, तो सबने कहा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये सब कोई समझता है, ये सब कोई समझता है, और ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। हटाइए, asterisk mark is not required here। इसे कहा जाता है fundamental accounting assumption which everybody knows। से 6 मंथ हम वहां पे एस्ट्रिक मार्क नहीं लगाते, और ये कभी नहीं बोलते हैं कि भूकंप आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, अर्थक्वेक बाढ़ आ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, ये बताने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ये बात अच्छी से समझते हो कि अगर सब कुछ सही रहा तो 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे पता है क्या कहा जाता है? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंटिंग के टर्म्स में अकाउंटिंग एजम्पशन ये है, फंडामेंटल एजम्पशन, एवरीबॉडी नोज इट, एवरीबॉडी हैज गॉट इट एज्यूम, हर कोई ये मान के चल रहा है कि सब कुछ सही होने पे ही ये बात कही जा रही है कि 6 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। क्लियर है बात? तो अकाउंटिंग क्या कहता है, AS1 क्या कहता है? कहता है ऐसी बात जो हर कोई समझता है उसे डिस्क्लोज नहीं करना है। डिस्क्लोज किसे करना है? आपकी पॉलिसीज को। लेकिन जो चीज हर कोई समझता है उसे डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ये बात। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि आपने अभी तक की मेरी बात को कितना समझा, क्योंकि अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे थे वो नॉन अकाउंटिंग टर्म्स में कर रहे थे, तो इसी बात को अकाउंटिंग में अब कन्वर्ट करके बात करते हैं। एक एसेट की कॉस्ट है, इतना आप सब समझते हैं, क्योंकि छोटी मोटी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वगैरह आप सब सीख के आए हैं। ठीक है, आज पहली बार अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, आप सबको निकालना है। एसेट की कॉस्ट हम आपको बता रहे हैं, यह है 1 लाख रुपया। स्क्रैप इसका है निल, स्क्रैप वैल्यू निल। इसकी लाइफ है 5 इयर्स। आपको बताना है डेप्रिसिएशन, आपको भी सर ये क्या मजाक है, इतना तो पढ़े लिखे हम लोग भी हैं, 1 लाख एसेट की कॉस्ट, 5 साल की लाइफ, तो कौन नहीं बता देगा? बताओ भाई, अगर पढ़े लिखे हो तो बताओ डेप्रिसिएशन कितना? 20,000। ठीक है, पता है 20,000 आपने डेप्रिसिएशन क्यों लगा दिया? आपने एक चीज अपने आप एज्यूम कर ली, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने एक बात एज्यूम कर ली। क्या एज्यूम कर लिया? कि बिजनेस भी 5 साल चलेगा। जरा सोच के देखो, अगर मेरा धंधा ही 3 साल चलेगा तो, अरे तो एसेट 5 साल चला के भी क्या करेंगे? अगर धंधा ही 3 साल चलाएंगे तो एसेट तो 3 ही साल यूज होगी, एसेट की लाइफ 5 साल, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? पता है, यानी आप एज्यूम करके चलते हो कि मेरा धंधा चलता रहेगा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा धंधा ही बीच में बंद हो गया तो। अगर आप ये बात सोचे होते तो शायद पता है क्या बोलते, कहते सर एक बात बताइए बिजनेस कैसा चलेगा, आपने सोचा ही नहीं, एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है, धंधा थोड़ी ना बंद हो जाएगा। That means कि धंधा बंद नहीं होगा is a fundamental accounting assumption।
और आपने अकाउंटिंग की इनिशियल क्लासेस में जब भी कभी आपने अकाउंट स्टार्ट किया था वेदर इन क्लास 11th और 12th, तो आपने ये बात पढ़ी थी गोइंग कंसर्न इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। पता है आप डिप्रिसिएशन 5 साल पे क्यों निकालते हो? आपको आज तक ये बात पता नहीं थी, आप निकालते जरूर थे, आप निकालते जरूर 5 साल पे थे, लेकिन ये बात पता नहीं थी, ये गोइंग कंसर्न की वजह से आप निकाल रहे हो 5 साल पे। आप ये मान के चल रहे हो कि धंधा तो 5 साल से ज्यादा ही चलेगा, आप चलते रहेंगे। सबको बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारी चीजें देखिए, आपने ऑटोमेटिक क्या किया, 5 साल पे डिप्रिशिएट किया, दैट मीन्स आप सबको ये बात पता है कि धंधा 5 साल से ज्यादा चलेगा, चलता रहेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताने की जरूरत नहीं होती, सबके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो बात बैठी रहती है, ठीक है, हम वो बात मान के चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज AS1। AS1 डील्स विद द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है AS1 डील्स विद डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। सभी अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं डिस्क्लोज करने हैं, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स ओनली द इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है जी, ये बताइए क्या हमें ये भी बताना पड़ेगा क्लास से पहले कि हम खड़े होकर पढ़ाएंगे कि बैठ के पढ़ाएंगे? दैट इज इनसिग्निफिकेंट। आपको इस बात से क्या मतलब है कि हम कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है, दैट इज इनसिग्निफिकेंट। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अकाउंटिंग पॉलिसी, बाकी सब बताना जरूरी है कि नहीं है, कि वेदर द क्लासेस विल गो ऑन MWF और TTS, वेदर इट विल गो ऑन इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, ये बातें बताना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन हम खड़े होकर पढ़ाएंगे कि बैठ के पढ़ाएंगे इज इनसिग्निफिकेंट। यू आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट दिस, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ये बात। तो क्या कहता है अकाउंटिंग, क्या देख रहे हो, खड़े हैं कि बैठे हैं? तो AS1 कहता है कि AS1 डील्स विद सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? डू नो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इन 5 चीजों को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप इतना तो सबको पता है, बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कैश फ्लो होता है, नोट्स टू अकाउंट होता है। शायद कुछ लोगों के लिए यह बात नहीं होगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, पहले हमारे देश में ये नहीं बनता था, लेकिन विदेशों में ये स्टेटमेंट पहले भी बनता था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो हमारे देश में भी अब वो स्टेटमेंट शुरू हो गया बनाना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है, एक चार्ट बनाया जाता है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जितने भी रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इनका ओपनिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर कितना ऐड हुआ या कितना कम हुआ और क्लोजिंग बैलेंस, मतलब एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जो चेंजेस बताता है कि हमारा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, विदेशों में ये स्टेटमेंट पहले भी बना करता था, हमारे देश में पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते थे वो बैलेंस शीट, PL, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट होता था। अब ये स्टेटमेंट हमारे देश में भी बनने लगा है। तो आज की तारीख में हमारे देश में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें 5 चीजें होती है। ठीक है, तो कहता है AS1 क्या है, इन सब को बनाने में जितनी भी आपकी पॉलिसीज हैं वो सब बताइए। ठीक है, अब अकाउंट्स में सर पॉलिसी क्या होती है,
डेप्रिसिएशन कैसे लगाएं, WDV लगाएं कि SLM लगाएं, ये एक पॉलिसी है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करें, फीफो कर दें, वेटेड एवरेज कर दें, ये एक पॉलिसी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर हम कोई फॉरेन एक्सचेंज में डील किए हैं तो फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके ही हम दिखाएंगे वो खर्चा। जब हम उसे कन्वर्ट करें तो फॉरेन करेंसी का कौन सा रेट लें, TT बाइंग रेट ले, TT सेलिंग रेट ले या फिर एवरेज रेट ले। अभी थोड़ी देर में आपको ये सब भी बताते हैं कि बाइंग रेट फॉरेन एक्सचेंज का क्या होता है, सेलिंग रेट क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज का और एवरेज रेट क्या होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज बहुत सारी जगह पे अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे गुडविल, गुडविल के खर्चे को हम एमोर्टाइज करें कि ना करें, करें तो कितने साल पे करें, ये सब क्या है पॉलिसीज। ठीक है, जैसे कुछ बिजनेसमैन कहते हैं कि हमने जो गुडविल खरीदी है कभी खत्म नहीं होगी, अरे ये तो साल भर साल हमेशा हमारे साथ रहेगी, अरे इसकी वैल्यू कम थोड़ी ना हो रही है कि डिप्रिशिएट करें, तो कुछ लोग एमोर्टाइज नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं ये जो गुडविल हमने खरीदी है किसी और के बिजनेस की, ये गुडविल से हमें फायदा 10 साल होने वाला है, तो 10 साल में एमोर्टाइज कर देते हैं। तो क्या होगी मेरी पॉलिसी? तो आपको समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग में भी बहुत सारी जगह पे विकल्प है कि आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, कुल मिला के प्रिंसिपल क्या है कि एक कैपिटल एसेट का खर्चा PL में धीरे धीरे जाए इन द फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन। प्रिंसिपल तो यही है, हमने बड़ा खर्चा किया है, हम चाहते हैं उस खर्चे को धीरे धीरे टुकड़े में PL में ले जाएं। ठीक है, और टुकड़े में PL में ले जाने का तरीका क्या है, डिप्रिसिएशन। लेकिन भाई डिप्रिसिएशन कैसे लगाएं, मेथड क्या है, कौन सा मेथड लगाएं, SLM लगाएं या फिर WDV लगाएं, ये क्या बन गई अपने आप में पॉलिसी। क्लियर है इतनी बात? द पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग थ्रू एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड द मैनर इन विच अकाउंटिंग पॉलिसीज आर डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सच डिस्क्लोजर वुड ऑल्सो फैसिलिटेट अ मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज। बेसिकली अगर एक कंपनी डिप्रिसिएशन का SLM मेथड लगाती है और दूसरी कंपनी WDV मेथड लगाती है तो दोनों के डिप्रिसिएशन अलग अलग आएंगे। ठीक है, दोनों के प्रॉफिट अलग अलग हो सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों की रेवेन्यू एक ही थी, प्रॉफिट फिर भी अलग अलग हो गया क्योंकि डिप्रिसिएशन का मेथड अलग अलग है। क्या हम इन दोनों कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसी जानना बहुत जरूरी है दो कंपनी के कंपेरेबिलिटी के लिए। अगर दो कंपनी को आप कंपेयर कर रहे हो उनके PL और बैलेंस शीट को, तो ध्यान दीजिएगा दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी भी एक जैसी हो, तब कंपेयर कीजिए। ठीक है बात? अगर दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी एक जैसी नहीं है तो यू कैन नॉट कंपेयर इट। क्लियर है इतनी बात सबको? अगर दोनों डेप्रिसिएशन चार्ज किए, SLM से चार्ज किए, दोनों इन्वेंटरी की वैल्यूएशन FIFO से करते हैं, तब कंपेरेबिलिटी अच्छी होगी। तो कहता है ये अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर एक बहुत बड़ा काम और करता है कि वो इंसान जो कंपैरेबिलिटी कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसको इसमें हेल्प मिलती है, वो राइट सिलेक्शन कर पाता है कि हम अगर अपनी कंपनी को किसी से कंपेयर करें तो किससे करें। ठीक है, तो हमें वो राइट चॉइस मिल जाता है, हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को मैच कराते हैं, देखते हैं अगर कॉमन है तो हम क्या करते हैं, उसे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये बात एप्लीकेबिलिटी। This AS was issued in 1979. देखिए ये AS1 है, सबसे पहला स्टैंडर्ड है, तो ये इशू हुआ था 1979 में एंड इज नाउ मैंडेटरी एंड एप्लीकेबल फॉर ऑल इंटरप्राइज। और ये मैंडेटरी भी किसके लिए है? सबके लिए। एट टाइम्स यू विल फाइंड कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो रिकमेंडेटरी हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हमारे देश में है जो सबको अप्लाई करना मैंडेटरी नहीं है, और कुछ स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो अप्लाई करना मैंडेटरी है लेकिन सेलेक्टेड एंटरप्राइजेस के लिए, सबको नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यह भी बता दें, कितने स्टैंडर्ड हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, ICI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने इशू हुए हैं? 32। कितने इफेक्टिव है एज ऑन डेट? 30। कौन कौन से नहीं है? AS6 एंड AS8 नहीं है। ठीक है, ये जो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें से 30, 31, 32 ये जो तीन स्टैंडर्ड है ये रिकमेंडेटरी है। आपको मन करे तो लगाइए, ना मन करे तो मत लगाइए।
ये जरूरी नहीं होते, ठीक है। अब बाकी बच गए, जो बाकी बचे स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या सब पे मैंडेटरी है? नहीं, वो मैंडेटरी है लेकिन सब पे नहीं है। AS1 वो वाला है जो सब पे मैंडेटरी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे स्टैंडर्ड का जो मैंडेटरी तो है लेकिन सब पे नहीं है, आइए उसका भी एग्जांपल लेते हैं। AS20 AS20 मैंडेटरी है लेकिन पता है किसके लिए मैंडेटरी है? ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सभी के लिए नहीं। क्लियर है सबको? तो देखिए हमारी स्टैंडर्ड्स जो है वो तीन कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड हो जाती है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड जो सब पे मैंडेटरी, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिक एंटरप्राइजेस पे मैंडेटरी, और कुछ ऐसे जो रिकमेंडेटरी, मन है तो लगाइए नहीं तो मत लगाइए। तीन स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेटरी है वो कौन से हैं? 30, 31 और 32, ऐसे याद रखेंगे लास्ट के तीन, ठीक है। चलिए हमें बाकी सभी स्टैंडर्ड से मतलब नहीं था, ये एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताया ताकि आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या है एप्लीकेबल फॉर ऑल इंटरप्राइज का, ठीक है। तो चलिए आइए AS1 को नाम देते हैं मैंडेटरी स्टैंडर्ड फॉर ऑल। हमने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड हमें दो चीजें पढ़ाएगा, क्या क्या पढ़ाएगा? अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर हो, और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। तो पहले बता रहा है आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है, किन बातों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मेरे भी कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, मेरे कुछ फंडामेंटल एजम्पशन है मेरी क्लासेस के, फंडामेंटल क्लासेस एजम्पशन, व्हाट कि भूकंप अगर आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा तो क्लास नहीं चल रही होगी, ठीक है, जिसे बताने की आवश्यकता कभी भी एडमिशन लेते समय नहीं होती है। क्लियर है? आइए देखिए अकाउंटिंग में ऐसे कौन से एजम्पशन है जिसे बताने की आवश्यकता नहीं होती है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 रिकॉग्नाइजेस 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, दीज आर गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब यह है कि आपकी एंटिटी चलती रहेगी। अगर आपने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब क्या है? चलती रही। अगर नहीं चल रही है तो अगर आपको डाउट है, आप कहना ये कहना चाहते हो 3 महीने बाद बंद करने वाले हो अपनी कंपनी, तो क्या करेंगे? डिस्क्लोज करिए नोट्स टू अकाउंट। क्योंकि अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया, पता ये क्या कहना चाहता है? इन केस यू हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इट, इट शैल बी अज्यूम्ड दैट योर एंटिटी इज गोइंग कंसर्न। इन केस यू हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इट, अगर डिस्क्लोज किए तो जो डिस्क्लोज किए वही मानेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इन केस यू हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इट, हमने बोला क्या डिस्क्लोज करना जरूरी भी है अगर गोइंग कंसर्न है तो? नहीं, डिस्क्लोज करना ही नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न है तो यू नीड नॉट डिस्क्लोज। इफ योर एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, वो बंद होने वाली है, तो डिस्क्लोज करिए, ठीक है। चलिए एक बात समझते हैं इसको। हमने बनाई है 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट बनाई है? 31 मार्च 2019 की, ठीक है। 1 फरवरी 2019 को कंपनी बेचने की बात हो रही है, कंपनी को बेचने की बात हो रही है, बात हो रही है, बेचा नहीं है, ठीक है। चांसेस है कि कंपनी बिक जाए। 31 मार्च 2019 तक अभी बिकी नहीं है, हमने बैलेंस शीट बनाई है। नोट्स टू अकाउंट में क्या हमें यह बात बता देनी चाहिए? बता देनी चाहिए। कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, चांसेस है कि यह कंपनी अब न रहे, ठीक है, आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। जब आप यह बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2019 की, तो इसका नोट्स भी बनेगा, उसमें लिखिए बात कि कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या चीज है? ये बात मान ली जाएगी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आप फॉलो कर रहे हैं अकाउंट्स के प्रिपरेशन में, वो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। जैसे जब हम सबसे पहली बार अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे वो SLM मेथड से किए थे। तो पता है जिस साल पहला मेरा पीएल था उस साल के नोट्स में हमने लिखा कि डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज बाय SLM मेथड। अगले साल फिर लिखे डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज बाय SLM मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बात एज्यूम कर ली जाती है कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो की है।
जब हम अपना पहला बैलेंस शीट बना रहे थे तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किए थे फीफो से, ठीक है। अब अगले साल भी फीफो से ही किए, क्या ये बात बताएं कि हमने फीफो से किया है? जरूरी नहीं है, ये बात एज्यूम की जाती है। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कोई भी चेंज नहीं करता, ये कंसिस्टेंटली फॉलो होता है। यानी अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो क्या करो, जल्दी बोलो, चेंज करो तो बताओ, डिस्क्लोज करो, ठीक है। क्या हम ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट होना जरूरी है? क्या हमने ये सिखाया आपको? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है तो बोलना नहीं है, अगर नहीं है तो बताना है। क्या हम ये कह रहे हैं कि आपकी एंटिटी गोइंग कंसर्न होनी चाहिए? ये नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर नहीं है गोइंग कंसर्न तो बता दीजिए, ठीक है। अक्रूअल, आई होप आप समझते हैं इस बात को कि अकाउंटिंग दो तरीके से की जा सकती है, वन इज कैश बेसिस एंड अदर इज अक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग, अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बस ये चेक करने के लिए कि क्या आप कैश बेसिस अकाउंटिंग और अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग समझते हैं कि, ठीक है। हमने ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंसेस को पे किया है, एक्सपेंसेस पेड 10 लाख, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा ड्यूरिंग द ईयर का है 2 लाख। अगर हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे तो कितना खर्चा दिखाएंगे अपनी पीएल में? कितना खर्चा बोलिए? 10 लाख। अगर अक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे तो खर्चा कितना दिखाएंगे? 12 लाख दिखाएंगे। अक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि किस जितना खर्चा एक पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करता है उसे चार्ज कीजिए, ना कि जितना आपने पे किया है। और कैश बेसिस अकाउंटिंग कहता है कि जितना आपने खर्चा पे किया है उसे अकाउंट कॉल कीजिए, राइट। अगर आपने अपने अकाउंट्स में ये नहीं लिखा कि आप कैश बेसिस पे अकाउंट्स बना रहे हैं या अक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं, तो पता है क्या अज्यूम किया जाएगा? कि आपका अकाउंट्स अक्रूअल बेसिस पे। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि अकाउंट्स अक्रूअल बेसिस पे बनाना ही पड़ेगा? नहीं, आप कैश बेसिस पे बना लीजिए। लेकिन अगर आप कैश बेसिस पे बनाएंगे तो क्या होगा? आपको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? चल, लेकिन सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही हमें जानना है क्या? नहीं, अगर हम एक कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ कंपनीज एक्ट की भी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। और कंपनीज एक्ट में एक बात अप्रूवल के लिए लिखी गई है, क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि अकाउंट्स का मतलब होता है, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स को डिफाइन किया गया है, अकाउंट्स का मतलब होता है वो जो अप्रूवल बेसिस पे मेंटेन हुआ है। मतलब कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अकाउंट्स का मतलब ही होता है अक्रूअल बेसिस। मतलब अगर कैश बेसिस पे बनाए तो वो अकाउंट्स ही नहीं है, वो तो कहता है, ठीक है। अगर कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अकाउंट्स वो है जो अक्रूअल बेसिस पे मेंटेन हुआ है, तो जल्दी बताइए क्या हम एक कंपनी का अकाउंट कैश बेसिस पे मेंटेन करके नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर दे कि कैश बेसिस पे बनाए हैं? नहीं भाई, बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अदर देन कंपनी की बात कर रहे हैं तब, क्योंकि कंपनी के केस में अप्रूवल बेसिस के लिए कौन कहता है? कंपनीज एक्ट खुद भी कुछ कहता है, ठीक है। तो अदर देन कंपनी अगर कोई एंटिटी है तो अकाउंट्स कैसे बना सकती है? बोथ कैश बेसिस अप्रूवल बेसिस। अगर अक्रूअल बेसिस बनाती है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कैश बेसिस बनाती है तो उसे नोट्स टू अकाउंट में यह बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। So long as these assumptions are followed in preparation of financial statement, no disclosure of such adherence. Adherence का मतलब होता है compliance. आपने इस standard को comply किया, उसका disclosure नहीं चाहिए. No disclosure of such compliances is necessary. Any departure from any of these assumptions should, however, be disclosed. अगर आप इससे depart करते हैं, मतलब कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको disclose करना पड़ेगा. Going concern assumption. The enterprise is normally viewed as a going concern. जब भी कोई आपके PL और balance sheet को देखता है ना, ये मान के चलता है कि आप चलते रहेंगे, ठीक है। That is as a continuing operation for the foreseeable future. What is foreseeable future? Foreseeable future का मतलब होता है जितना दूर तक हमको दिखता है,
क्या हम ऐसे भी कोई चीज फ्यूचर की देखते हैं 500 साल बाद ये होगा बड़ा मजा आएगा? अरे क्या 500 साल बाद होके मजा लोगे, तुम रहोगे क्या? फोर्सिएबल फ्यूचर का मतलब है जितना फ्यूचर हम देखते हैं बेसिकली, ठीक है? क्या आप ऐसे भी फ्यूचर देखते हैं अपना, बड़ा मजा आएगा अगर 25 साल बाद ना हम ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिए? अरे ऐसा फ्यूचर किस काम का, ठीक है? फोर्सिएबल फ्यूचर का मतलब यह है जितना फ्यूचर आप देखते हो, ठीक है? द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न दैट इज कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। जहां तक का फ्यूचर हम देखते हैं वहां तक हमें यह महसूस होता है कि यह कंपनी चलती रहेगी, ठीक है? यही पब्लिक मानती है। इट इज अज्यूम्ड दैट द एंटरप्राइज इज नीदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन और कर्टेलिंग मटेरियली इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन। ये बात मान ली जाती है कि एंटरप्राइज का कोई इंटेंशन नहीं है बंद होने का। अगर आप कुछ आप कंपनी हो, अगर आप अपने नोट्स टू अकाउंट में ये बात नहीं लिखोगे कि आई एम नॉट ए गोइंग कंसर्न, तो हम क्या क्या मानेंगे? हम ये मान लेंगे कि आप जब तक हमको फ्यूचर दिख रहा है तब तक चलते रहेंगे। दूसरी बात, आपका कोई भी इरादा नहीं है बंद होने का। दूसरा, आपकी कोई भी जरूरत नहीं है बंद होने की, मतलब आपके हालात ऐसे नहीं है कि आप बंद हो जाएंगे, ये भी हम मानते हैं। ना तो आपका इरादा है बंद होने का, ना आपके हालात ऐसे हैं कि आप बंद हो जाएंगे, ठीक है? Neither the intention nor the necessity of liquidation or curtailing, ना ही आप curtail करेंगे। क्या क्या चीज हम बोले, ना तो आपका इरादा बंद होने का है, ना आपके हालात बंद होने के हैं, ना ही आप curtail करेंगे। curtail करने का मतलब क्या होता है, आपकी 10 यूनिट इंडिया में चलती है, आपकी फैक्ट्री की कितनी यूनिट है, 10 यूनिट इंडिया में चलती है, जब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे हम ये मान लेंगे कि आपकी 10 यूनिट चलती रहेगी। कर्टेल करने का मतलब होता है कुछ धंधा कम तो नहीं होगा, ठीक है? तो जब तक आप नहीं बोलेंगे हम मानेंगे कि 10 यूनिट चलती रहेगी, ठीक है? आप चिप्स भी बनाते हैं, ठीक है? केचप भी बनाते हैं, आप कुरकुरे भी बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, ठीक है? जब तक आप बोलेंगे नहीं अपने नोट्स टू अकाउंट में, हम ये मानते रहेंगे कि वो 2500 प्रोडक्ट आप बनाते रहेंगे। कर्टेलिंग इट्स ऑपरेशन का मतलब होता है कोई यूनिट बंद नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट बंद नहीं होगा, ठीक है? कब तक ये बात मानते रहेंगे, जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है? आपकी 10 यूनिट है 100 चलेगी, 25 प्रोडक्ट है 2500 बनेगा, ये बात हम मानते रहेंगे जब तक आप कुछ नहीं कहेंगे। कर्टेलिंग मटेरियल्स स्केल ऑफ ऑपरेशन। व्हाट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, हमने आपको बता दिया। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है यूनिट्स आपकी कितनी चल रही है वो चलती रहेंगी, आपके प्रोडक्ट जितने चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। अकॉर्डिंगली एसेट एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस दैट द एंटरप्राइज विल बी एबल टू रियलाइज दिस एसेट एंड डिस्चार्ज इट्स लाइबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इफ एन एंटरप्राइज इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, valuation of its asset and liabilities on historical cost becomes irrelevant and as a consequence its profit and loss may not give reliable information. kya keh raha hai, hum apni balance sheet mein normally baat kar rahe hain, jab hum going concern hain to asset ko kaise dikhate hain, asset cost isme se less hota hai depreciation, ठीक है? अगर 1,00,000 रुपए की एसेट है, 5 साल इसकी लाइफ है, तो हम 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते हैं और ये मेरी बैलेंस शीट में दिखता है 80,000 रुपए का। जरा जल्दी बताइए, अगर इसकी मार्केट वैल्यू 70,000 रुपए है तो कितने का दिखेगा बैलेंस शीट में, 80,000 का? अगर 90,000 इसकी मार्केट वैल्यू है तो बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा, 80,000 रुपए, ठीक है? लेकिन अगर यह कंपनी बंद होने वाली है और इसकी बैलेंस शीट भी ऐसी बना दी गई है कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन बेसिस पे, तो हमें ऐसा लगेगा ये कंपनी बंद होने वाली है, 80,000 रुपए तो इसका एसेट का है और इसकी लाइबिलिटी तो कितनी है, 70,000 रुपया, सब पे करने के बाद भी 10,000 बचेगा, कोई घाटा नहीं है, हम इक्विटी शेयर होल्डर, हम सोचे हमको पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं है, इसकी मार्केट वैल्यू पता है कितनी है, 20,000 रुपया। जब सोचिए अगर एक कंपनी बंद होने वाली है तो उसे कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन पे दिखाना चाहिए एसेट लाइबिलिटीज को, या फिर उसे एक मार्केट वैल्यू पे दिखाना चाहिए? मार्केट वैल्यू पे दिखाओ अब तुम, अब 20,000 रुपए बताओ, तब तो हमें सब समझ में आएगा कि क्या पोजीशन है तुम्हारी, नहीं तो तुम जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहे हो बैलेंस शीट वो गलत है।
क्लियर है बात सबको? तो यही कह रहा है कि पहले डिस्क्लोजर तो हो, पता तो चले आप बंद हो रहे हो या चालू हो। बंद हो तो हम अलग तरीके से आपकी बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, चालू हो तो अलग तरीके से पढ़ते हैं। जब आप कहते हो कि हम बंद होने वाले हैं तो हम एसेट और लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू जान के क्या करेंगे भी? आप बताओ कितना तुम्हारे पास आएगा बेच के, क्योंकि आप बंद हो गए तो हम बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसमें से मिलेगा ना। ठीक है, एग्जाम्पल, ए लिमिटेड हैज प्रपोज टू एक्वायर बी लिमिटेड इन जनवरी 2018। द एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड टुक प्लेस इन मे 18। ए लिमिटेड ने प्रपोज किया बी लिमिटेड को कि हम तुम्हें खरीदना चाहते हैं। कब किया? जनवरी 18 में, जबकि खरीदा है मई 18 में। बीच में आएगा मार्च 18 जिसमें बैलेंस शीट बनेगी, नोट्स टू अकाउंट बनेगा। क्या वहां पे हम ये बात बता दें? बी लिमिटेड को बता देना चाहिए कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है, हो सकता है हम बिक जाए। हाँ, अरे डाउट में ही लिखो ना, ऐसे लिखो हो सकता है हम बिक जाए, इतना ही लिखो। ठीक है, यू मस्ट प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सच पूछिए तो नोट्स टू अकाउंट एक आईना है, ठीक है, सच्चाई है। जिस तरीके से गलत बोलना गलत होता है, सच न बोलना भी गलत होता है, यह बात जानते हैं। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट वो सच है जो आप नहीं बताएंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात। चलिए आगे देखिए, देखिए इनको एक लड़की दिखाई गई। ठीक है, इन्होंने बातचीत भी की उनसे, उनसे पूछा कि तुमने बीकॉम किया है? उसने बोला हाँ मैंने बीकॉम किया है। ठीक है, जब शादी होके आ जाती है तो फिर कहता है कि लाओ जरा बीकॉम की मार्कशीट, तो देखता है बीकॉम की मार्कशीट में फेल है, तो कहता है मैंने तुमसे पूछा तो था तुमने बीकॉम किया है, तो कही मैंने किया तो था, पास नहीं हुई थी, पास के लिए कहां पूछा तुमने, किया तो है ये बीकॉम। पता है यहां पे उसने झूठ बोला क्या? नहीं, लेकिन सच छुपाया है। क्या ये भी गलत है? यस गलत है। यही होता है नोट्स टू अकाउंट। हम आपको तरह तरह की बात करके यही समझाना चाह रहे हैं कि नोट्स टू अकाउंट है क्या चीज, और इसके बिना किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना बड़ा ही डिफिकल्ट है। ठीक है, हुआ कि नहीं तुम्हारे साथ धोखा, बोलो? नहीं चलेगा, चला चलेगा सर, अब जो हो गया हो गया। ठीक है, हम ज्यादा सीरियस नहीं लेते इन बातों को। चलिए आगे देखिए, बी अक्रूअल एजम्पशन, रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज दे आर अक्रूड, दैट इज रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉग्नाइज एज दे आर अर्नड और इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट। जिस पीरियड को रेवेन्यू रिलेट करती है, जिस पीरियड को खर्चे रिलेट करते हैं, आप इस हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं तो उसे कहा जाता है एक्रूअल अकाउंटिंग। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग ऐसे करते हैं कि कितना आया और कितना गया, तो इसे कहते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, टू विच दे रिलेट इवन दो पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ एक्चुअल कैश हैज नॉट बीन टेकन प्लेस। ऐसा पॉसिबल है कि एक्चुअल कैश रिसिप्ट या पेमेंट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, दिस एजम्पशन इज द कोर ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम। ये एजम्पशन भी मान के चली जाती है कि आप रेवेन्यू और खर्चे कहां दिखा रहे हो, जिस पीरियड को रिलेट करते हैं। ठीक है, ना कि ये सिग्निफाई होता है कि आप इतना पेमेंट किए हो और इतनी पेमेंट पाए हो, ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने ये दिखा रखा है कि कितनी रेवेन्यू आई है और कितनी पेमेंट गई है, तो ये बात आप लिख दीजिए नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तो जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझते हैं अक्रूअल अकाउंटिंग। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑन मार्च 1, 2018। अब मार्च 1, 2018 को क्रेडिट सेल किए हो, तो सेल जो हम बनाएंगे फाइनेंशियल ईयर 17-18 का अकाउंट उसमें दिखाएं, क्योंकि पेमेंट 4 महीने बाद आने वाली है मान लीजिए, तो जब पेमेंट आएगी तब सेल दिखाएं कि अभी सेल किए तभी दिखा दें? अभी सेल किए तभी दिखा दो, यही तो अक्रूअल अकाउंटिंग होता है। ठीक है, जब पैसा आता है तब हम सेल दिखाते हैं, ये कौन सी अकाउंटिंग है? कैश बेसिस। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। इट इज अज्यूम दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर अनलेस दिस इज डन कंपैरेटिव्स आर रेंडर्ड मीनिंगलेस। कह रहा है अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना
तो पिछले साल के अकाउंट्स को इस साल के अकाउंट से कंपेयर करके आप खुश मत हो कि हमने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। ऐसा हो सकता है कि पिछले साल आप WDV डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे और इस बार भी WDV चार्ज किए होते तो पिछले साल से कम प्रॉफिट हो जाता। ये तो आप SLM चार्ज कर दिए इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया। पिछली बार आप FIFO से मेथड किए थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इस बार आप वेटेड एवरेज से किए इसलिए प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा दिख रहा है। या FIFO से ही करो इस बार भी, यानी जैसे पिछले बार किए थे वैसे ही करो तो पता चलेगा 2 लाख प्रॉफिट कम आ रहा है। तो क्या दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अपने ही दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाएंगे जब अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है? नहीं। कहता है इससे कंपैरेटिव्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। इफ कंपैरेबिलिटी इज लॉस्ट द रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग डाटा फॉर यूजर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इज गॉन। अगर कंपैरेबिलिटी ही नहीं है तो फिर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर कोई भी मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन उसे ड्रॉ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करे ना करे, बैंकर आपको पैसे लोन दे ना दे, ये सब डिसीजन लेना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो तभी आपकी स्टेटमेंट को देख के कोई भी डिराइव कर पाता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका डायरेक्शन ये है कि ये है। लेकिन हर बार पॉलिसी बदल देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आप ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो। ठीक है, द रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग डाटा फॉर यूजर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इज गॉन। एग्जाम्पल, इफ एंटरप्राइज इज ऑप्टेड फॉर रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन देन इन द फॉलोइंग ईयर इट शुड स्टिक टू दिस मेथड ओनली। तो अगले साल में भी आप यही फॉलो कीजिए। ठीक है, अनलेस अंडर चेंज एनवायरमेंट इज कंसिडर्ड हाईली इनअप्रोप्रिएट टू कंटिन्यू विद इट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, ये गलत चल रहा था अभी तक, अब जो हम करेंगे अगर हम चेंज कर देंगे अकाउंटिंग पॉलिसी तो ज्यादा बेहतर अकाउंट होगा, तब कर लीजिए। बेहतर करने के लिए कुछ भी करिए, चेंज करिए। अगर कोई चीज पहले गलत थी अब सही करने के लिए कर रहे हैं तब तो करिए ही। ठीक है, अदरवाइज चीजों को क्या रखिए, कंसिस्टेंट। ठीक है, पता है आप अपने यहां वेटेड एवरेज मेथड इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करते हो जबकि आपके यहां सिस्टम ये नहीं है। आपके यहां सिस्टम यही, आप पुराना माल पहले निकालते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हो, तो वैल्यूएशन भी कैसे करना चाहिए, FIFO ही। ठीक है, आप 5 साल से वेटेड एवरेज कर रहे थे, क्या अब आपको FIFO कर लेना चाहिए? हाँ करिए, और ये करना भी चाहिए, ये हम आपको परमिट करते हैं, करिए। नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करें, अब वेटेड एवरेज से FIFO कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्लोज करें। हाँ, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई विशेष फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बिना मतलब क्या हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो कंसिस्टेंट रखिए। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। जब आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन से डेविएट करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी अगर कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किए तो क्या कहा जाएगा कि आप डेविएट कर रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन से। क्योंकि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन तो क्या करता है, कहता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ये कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट हो। ठीक है, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो इसका मतलब आप डेविएट कर रहे हो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन से। अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन से डेविएट करते हैं तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। क्या क्या आपको बताना पड़ेगा कि मेरी ओल्ड पॉलिसी क्या थी। आप नोट्स टू अकाउंट में बस ये नहीं लिख देंगे हमने SLM कर दिया है। नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे, पहले मैं WDV डेप्रिसिएशन चार्ज किया करता था। ठीक है, जैसे TV में देखियो, पहले मैं मोटा था। ठीक है, फिर मैंने ये दवाई ली, फिर मेरा वजन 20 किलो कम हो गया, अब मैं ऐसा दिखने लगा। बिल्कुल वही डिस्क्लोजर है यहां पे। आप सीधे सीधे ये नहीं बोल देंगे कि ये देखो मैं कितना पतला और स्मार्ट हो गया, पूरी कहानी बोलेंगे। ठीक है, पहले मैं मोटा था, पहले मैं चलता था तो गिर जाता था। ठीक है, ये सारी बात बताएंगे, फिर मैंने ये दवाई ली, फिर उसके बाद मैं ऐसा हो गया। बिल्कुल यही बात, ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, अर्लियर WDV डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज, नाउ द कंपनी इज चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाई SLM मेथड। तीसरा, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या हुआ पहले ऐसा अब ऐसा, इफेक्ट क्या है। ठीक है, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइए बताएं इफेक्ट कैसे बताया जाता है अकाउंट्स में, इफेक्ट कैसे बताया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं पूरी बात,
पहले मैं क्या करता था, जल्दी बोलो, पहले मैं क्या करता था, WDV डेप्रिसिएशन चार्ज करता था, अब मैं क्या करता हूं, SLM मेथड चार्ज करता हूं। अब उसके बाद क्या बोलेंगे, अगर मैं WDV मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया होता, इफेक्ट की बात कर रहे हैं, क्या क्या बोलेंगे, अगर मैं WDV से डेप्रिसिएशन चार्ज किया होता तो मेरा डेप्रिसिएशन होता ₹950, ठीक है। SLM से कितना होता ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो ऊपर दिख ही रहा है डेप्रिसिएशन PL में, ठीक है। अब ऐसे समझिए, हमने SLM चार्ज किया और ये रहा ऊपर PL, और इसमें SLM डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज किए ये ऑलरेडी दिख रहा है ₹1000 का। आइए इफेक्ट लिख रहे हैं, नोट्स में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इनकेस डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज्ड बाय WDV मेथड द डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन ₹950, ठीक है। In case the depreciation would have been ₹950, the profit क्या होता, higher by ₹50। अगर 950 का depreciation charge कर देंगे तो profit ज्यादा होता ना, तो हम लिखते हैं profit would have been higher by ₹50। इतनी बात बतानी पड़ेगी। तो आपको यह भी बताना पड़ता है कि नई policy की वजह से क्या change आएगा और उस change का आपके profit या loss पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो हम यूजर को ये बताते हैं ताकि यूजर ये ना समझे इस बार मेरा प्रॉफिट क्या हो गया है, पता है ₹50 कम हो गया है, तो यूजर ये ना सोचे कि हम ₹50 कम कमाए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। हो सकता है हम पिछले साल के कंपैरिजन में ₹25 ज्यादा ही कमाए हैं, वो तो डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट उल्टा दिखाई दे रहा है, कम दिख रहा है। तो हम यूजर को ये बात बताते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन पुराने मेथड से चार्ज किए होते तो ₹50 से ये प्रॉफिट ज्यादा होता और मिला के इतना होता। अगली बात समझ में, डिस्क्लोजर क्या होता है, तो डिस्क्लोजर इसे कहते हैं, ठीक है। आप हर चीज बताते हो, क्या करते थे, क्या अब हुआ है और उसका क्या इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। अरे वाह, अकाउंटिंग पॉलिसीज, पहले हम आपके लिए ये भी पढ़ देते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ डेविएशन। The fundamental accounting assumption that is going concern consistency and accrual are followed in financial statement, a specific disclosure is not required. If fundamental accounting assumption is not followed, the facts should be disclosed. The principle of consistency refers to the practice of using same accounting policies for similar transaction in all accounting period. The deviation from the principle of consistency therefore means a change in accounting policy. अगर कंसिस्टेंसी नहीं है इसका मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की होगी, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या चीज होती है ये हमने आपको पहले ही बता दिया, स्टार्ट ही हमने यहीं से किया था कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, क्या होता है। अपने प्रिंसिपल में जब आप मेथड और लगा दें तो मिला के क्या बन जाता है, पॉलिसी, ठीक है। द अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, ठीक है। अडॉप्टेड बाई द इंटरप्राइज इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। अकाउंटेंट हैज टू मेक डिसीजन फ्रॉम वेरियस ऑप्शन फॉर रिकॉर्डिंग और डिस्क्लोजिंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एग्जाम्पल, इन्वेंट्री के केस में फीफो लें, वेटेड एवरेज लें, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से मेथड से बनाए, वेदर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। कैश फ्लो बनाने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। हालांकि AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट पे है और वो मैंडेट करता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग AS1 की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग आगे की AS की बात नहीं कर रहे हैं, AS1 खुद ही ये बात फिक्स करता है, ठीक है, कि अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कीजिए और जो अडॉप्ट कीजिए उसे कंसिस्टेंसी अप्लाई कीजिए, ठीक है। हाँ, क्या हर अकाउंटिंग पॉलिसी परमिटेड है, जरूरी नहीं है। जैसे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए हमने लिखा फीफो करें कि वेटेड एवरेज करें, अरे लीफो भी तो हो सकता है, हम लीफो की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, पता है एक दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS2, वो मना करता है, वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, वो कहता है लीफो नहीं परमिटेड है, ठीक है। तो बाद में जो AS आएगा उसकी बात बाद में कर लेंगे, ठीक है, अभी हम लोग जनरल बात करते हैं, ठीक है।
डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड करें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करें, डेप्रिशन मेथड करें, क्या लगाएं अपने यहां? ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब WDV मेथड। और जब आप डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे आप डेप्रिशन मेथड को भी सीखेंगे। ठीक है, अब वो आप सीखेंगे AS 10 में, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जहां पे आपको एसेट क्या होती है और उस पर डेप्रिशिएशन कैसे निकलता है ये सिखाया जाता है। दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, दैट इज एंडलेस। कह रहा है ऐसी पॉलिसीज की लिस्ट एंडलेस है, बहुत जगह पे बात आती है कि ये कैसे करें, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। ठीक है, फॉर एवरी आइटम राइट फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज टू रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, प्रोवाइडिंग फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस, फॉर ईच इवेंट अकाउंटेंट नीड टू फॉर्म प्रिंसिपल एंड इवॉल्व अ मेथड टू अडॉप्ट दोस प्रिंसिपल्स। कह रहा है हर एक चीज में, छोटी छोटी सी चीज में, एसेट को कैसे वैल्यू करें, लाइबिलिटी को कैसे वैल्यू करें, इनकम को कब रिकॉग्नाइज करें। जैसे हम 10,000 रुपए की फीस लेते हैं 4 महीने का एक कोर्स चलाने का, जिसमें से 2 महीना एक फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है, दो महीना अगले फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है, तो हम वो 4 महीने की फीस को कौन सी ईयर की इनकम दिखाएं, पहले 2 महीने वाले फाइनेंशियल ईयर की इनकम दिखाएं या अगले 2 मंथ वाले फाइनेंशियल ईयर की इनकम दिखाएं? ठीक है, कि दोनों तरफ आधा आधा बांट दें? ठीक है, ये सब बड़े सारे विकल्प है, कैसे आप करेंगे? दीज आर ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, एक बात बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया क्यों जाता है? ये फॉर्मुलेशन में आपने सीखा भी है, क्यों फॉर्मुलेट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इन्हीं अकाउंटिंग पॉलिसीज को कम करने के लिए। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज ही क्या है, ऑप्शंस इन अकाउंटिंग। ठीक है, इनको रिड्यूस करने के लिए तो हम क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि दूसरे जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो जो पॉलिसी अलाउ करते हैं फॉलो वही करिएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड 2 ऑप्शन आपको देता है तो उसमें से जो आप सेलेक्ट कीजिएगा ना उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई कीजिएगा, ये कहता है। ठीक है, कौन सी पॉलिसी चुनना है वो तो अलग अलग स्टैंडर्ड बताएंगे ही, हर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है जो बताता है कि कौन सी पॉलिसी लगाइए। ठीक है, लेकिन उसमें से भी अगर वो स्टैंडर्ड एक से अधिक ऑप्शन दे दे, जैसे AS 2 बताता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और वो 2 ऑप्शन देता है, कहता है फीफो लगाओ या वेटेड एवरेज लगाओ। ठीक है, तो AS 1 क्या कहता है फिर? AS 1 कहता है इसमें से जो भी लगाओ कंसिस्टेंटली लगाओ, ये कहता है। AS 1 ये नहीं कहता है कि फीफो लगाओ या वेटेड एवरेज लगाओ, वो तो AS 2 कहता है। ठीक है, लेकिन जो भी लगाओ कैसे लगाओ, कंसिस्टेंटली लगाओ, ये AS 1 कहता है। दिस मेथड ऑफ फॉर्मिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसीज।